फ्रेंड्स हाय, माय नेम इज मोहित बघेल। जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आपके सामने डिजाइनिंग के बारे में आपको बताने आया हूँ कि जूते की डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है और कैसे की जाती है। तो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर आपको बिल हेडिंग के अनुसार आपको मैं बताऊंगा कि डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है। अगर आपको कोई मिस्टेक हो, प्रॉब्लम हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बताएं कि किस तरीके से, मतलब वीडियो को किस तरीके से, मतलब डिजाइन को किस तरीके से मैंने गलत किया है, कहाँ गलत किया है, कहाँ नहीं गलत किया है। आप गलत किया है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। तो जैसे कि डिजाइन स्टार्ट करते हैं किस तरीके से डिजाइन की जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे डर्बी सू की किस तरीके से डिजाइन की जाती है। तो डर्बी सू में डिजाइन बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि डिजाइन को बनाने से पहले सबसे पहले क्या जरूरी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं लास्ट। तो लास्ट के अनुसार ही हम लोग डिजाइन को बनाते हैं कि जिस तरीके से ये लास्ट है ना, ये एक सेम टू सेम पैर की आकार का होता है। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम इस लास्ट को मास्क करते हैं। तो मास्क कैसे करते हैं, तो ये टेपिंग होती है, दिस इज अ मास्किंग टेप। इस टेप के अनुसार ही इसे हम मास्क करते हैं। जैसे चिपकाते हैं इस पे तो मास्क हो जाता है। मास्क होने के बाद इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक यहाँ से, टू एंगल डिवाइड करते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, जिससे हमारा दो। और इसके बाद इसकी मेजरिंग भी करते हैं हम। मेजरिंग कैसे की, इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्सों के अनुसार ही हम डिजाइन को बनाते हैं। तो पॉइंट्स लगाने के बाद हम करते क्या है कि पॉइंट लग गए, जैसे कि हमारे, मतलब हमने बेजिंग सहायता से इस पर पॉइंट्स लगाए, उसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं। उस फॉर्मूलेज को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, पहले आपको मैं डिजाइन के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक, तो होता क्या है कि पॉइंट्स हैं, तो मैंने ये इनर और आउटर बना, मतलब मैंने मास्किंग करने के बाद इसे कट कर दिया। कट करने के बाद इसे क्या करता हूँ, मैं इसे इनर और आउटर दो चीज निकालूंगा। तो इनर और आउटर में, इनर और आउटर, जैसे कि ये है इनर और आउटर। चलो चलते हैं, आपको बताते हैं कि इनर और आउटर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या कहते हैं, मतलब लास्ट की मास्किंग करने के बाद जो आपने निकाला वो आउटर और इनर निकाला। जो आउटर और इनर निकालने के बाद होता क्या है कि ये चीज कि लास्ट है, ये लास्ट में मतलब जो कौन सी साइड इनर होती है और कौन सी साइड आउट होती है, मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे कि ये हमारा लास्ट है और ये हमारा लास्ट यानी कि पैर की सेफ है। तो पैर की सेफ होता क्या है कि ये साइड है ना, जो बाहर की साइड होता है वो होता है हमारा आउटर, और जो अंदर साइड होता है वो होता है हमारा इनर। तो उसी बेस पर मैंने क्या किया है, दो मास्किंग, जो मास्किंग किया था उसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद मैंने दो पोर्शन में से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मुझे एक आउटर और एक इनर प्राप्त हुआ। जैसे कि मैंने ये मास्किंग किया था लास्ट पर, लास्ट पर मास्किंग करने के बाद इस पर लिखा हुआ है देखो आउटर, यानी कि ये आउटर साइड है, और इस पर लिखा हुआ है ये इनर साइड। ठीक, तो होता क्या है कि इन्हीं की बेस पर मतलब क्या करते हैं, हमको मीन फॉर्म बनाते हैं। मीन फॉर्म पर ही हम क्या करते हैं, मीन फॉर्म पर ही हम क्या करते हैं, मीन फॉर्म पर हम डिजाइन यानी कि जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड बनाते हैं। स्टैंडर्ड की बेस पर ही हम जो लेदर कंपोनेंट काटते हैं उसी की बेस पर हम क्या शू बनाते हैं। तो क्या होता है कि इन दोनों को एक बेस पर रखने के बाद इसका मीन निकालते हैं, यानी कि जो इसका मीन है उस मीन को निकालते हैं। तो मीन के कैसा निकलता है, मीन देखिए, ये इन दोनों को एक पेज पर रखने के बाद जो मीन निकलेगा वो मीन होगा ये, जैसे कि आपको दिख रहा है इस तरीके का मीन निकलेगा। मीन निकलने के बाद होता है क्या है, इस पर हमको पॉइंट्स शो कराते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा है ये पॉइंट्स है, और ये दिख रहा है ये पॉइंट्स है, मतलब इस पॉइंट पे आपको दिख रहा है ये बीएम पॉइंट्स है और ये काउंटर पॉइंट यानी सीपी और बीपी, यानी कि दोनों ये पॉइंट्स हैं। इन्हीं के माध्यम से ये, यानी कि ये पॉइंट्स होते हैं ना, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं फॉर डिजाइनिंग। इसी के अनुसार हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। तो ये कंप्लीट होगा, अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड बनाते कैसे हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस मीन फॉर्म को ट्रेस किया, ये मीन फॉर्म मैंने ट्रेस कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो ट्रेस करने के बाद क्या करते हैं, मैंने इस पर पॉइंट भी लगा दिए हैं, यानी कि ये मेरा पॉइंट है सीपी और ये है बीपी यानी कि बैम पॉइंट। ये है बैम पॉइंट और ये है काउंटर पॉइंट, यानी कि ये बोलते काउंटर।
ठीक है ओके। अब होता क्या है, ये मैं बना लिया। अब क्या करते हैं कि ध्यान करने से पहले क्या करते हैं, मैंने इसे ट्रस्ट लिया। ट्रस्ट करने के बाद करते क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्या कहते हैं, ये लाइन बनी हुई है, इस लाइन को आप स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट कर दिया, और इस लाइन को भी स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेट कर दिया। करने के बाद क्या करते हैं, क्या है जो हमारे पास हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल की सहायता से, जो हाफ सर्कल यानी कि चांदा बोलते हैं, जैसे चांदा से करते क्या है कि चांदा को एक पॉइंट इस लाइन से लेते हैं, लाइन से लेने के बाद एक पॉइंट मारे, मतलब यहाँ पे आता मान लो 90, एक पॉइंट इस लाइन से लेते हैं, वो पॉइंट मान लो वहाँ पे, मान लो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आता है, ठीक है। अब उसके बाद करते क्या है, इसका मीन लेते हैं, इसका भी मीन, मीन लेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर मीन आएगा, इसका मीन आने के बाद यहाँ पर सीधे परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे एकदम, इस पॉइंट से डालते हुए इसमें लाइन डाल दिए। लाइन डालने के बाद होता क्या है आगे कि मतलब ये लाइन डालने के बाद एक दो एंगल होते हैं, एक एंगल इस तरीके से नापा जाता है, यानी कि यहाँ से जो एंगल देखा जाता है वो होता है 90, और इस एंगल से देखा जाता है वो होता है 70 to 75। ओके समझ चुके होंगे। जैसे अब मैंने एंगल डाल दिया यहाँ से, ये एंगल हो गया मेरा 90 एकदम, ठीक है ओके। अब करते क्या है इसको और इसको, इसका मीन निकालते, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का निकालेंगे हम मीन। जैसे हमारा मीन निकल के आया ये, ओके ये मीन निकल के आया। अब इस मीन को करते क्या है, इस मीन को हम इस मीन से इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने कर दिया यहाँ पे ऐड, ठीक है ऐड कर दिया। जैसे ये मैं जो डियानी मतलब बना रहा हूँ वो डियानी है डरबी सूपी, तो जरा ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं डियानी बना रहा हूँ, और जहाँ आपको समझ में ना आए वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने ये लाइन को बना दिया है, बनाने के बाद मैं करूँगा क्या इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी सेक्शन ले सकता, जैसे काउंटर या क्वार्टर और टंग, यानी कोई भी पोर्शन पहले बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले बनाता हूँ काउंटर, तो काउंटर बनाने के लिए मैं देखता हूँ यहाँ पे मैं लेता हूँ 25, यहाँ से डिस्टेंस में यहाँ से लेता हूँ 25 मेरा पॉइंट यहाँ पे आया, ओके। आने बाद करता क्या हूँ मैं, अब मैं यहाँ से भी डिस्टेंस लूंगा, यहाँ से मैं लेता हूँ 85 या 90 नहीं मैंने मान लो 85 एम एम लूंगा, मेजरमेंट एमएम में मिलीमीटर में, ठीक है यहाँ पे भी एमएम में लूंगा, और मेजरमेंट में करूंगा वो एमएम में करूंगा। जैसे मेरा 85 यहाँ पे आया, ठीक है। एक्स वाई जेड मतलब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इससे पहले कि मैंने इस तरीके से ये किया। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इस दूर इस लेंथ को भी, ये लेंथ भी देखी देखनी होती है कि ये लेंथ मेरी यहाँ तक कितनी है। तो मेरी लेंथ यहाँ से है मान लो मैं जो मीन फॉर्म निकाला था, मीन फॉर्म निकाला था, वो मीन फॉर्म में क्या था कि 66, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 66 थी, 66 थी मेरी मीन फॉर्म में, वही मैंने यहाँ पे डिनोट की है, ठीक है ओके। जो मेरी मीन फॉर्म में जो क्या कहते हैं लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक 66 थी, वही लेंथ मैंने यहाँ पे वो डिनोट्स की है, जैसे 66 mm थी। अब वो चीज मैं यहाँ से यहाँ पे इतनी इतनी लेंथ है, वही लेंथ में इस पॉइंट से इस साइड जाऊंगा, इस साइड में मैं लूंगा 66, ओके 66 मान लो, मान लो मेरी यहाँ पर आई, ओके। अब यहाँ से क्या करना है, जो हाफ सर्किल है यानी चांदा, चांदा को तुम्हें इस पॉइंट पर रखना है, उस लाइन को वो ड्रॉ करना है इस तरीके से। तुम्हें लाइन आ रही मान लो इस पॉइंट पर, यहाँ लगा 90, ओके 90 पॉइंट लगा, तो 90 पॉइंट सीधा मैं एक लाइन बना दूंगा इस साइड ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से मेरी लाइन बन जाएगी। लाइन बनी, लाइन बनने के बाद करते क्या है कि जो मैं काउंटर है, मेरा काउंटर पोर्शन, ये काउंटर पोर्शन है वो इस लाइन से इस साइड में जाएगा, यानी कि ये इससे इधर ही रहेगा, ठीक है। तो मैं काउंटर बनाता हूँ, काउंटर को मैं किस तरीके से बना सकता हूँ, जैसे मेरी डिजाइनिंग है, ये डिजाइनिंग आप किस किस तरीके से डिजाइनिंग देना चाहते हैं, किस किस तरीके से डिजाइनिंग नहीं देना चाहते हैं, मतलब जैसे आपको लाइक करता है उस तरीके से आप काउंटर को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं काउंटर को इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ, इस तरीके से, जैसे मैं काउंटर को इस तरीके से डिजाइन किया, ओके। डिजाइन करने के बाद अब मैं करता क्या हूँ कि काउंटर मैंने निकलाया इस साइड में, अब मैं बनाऊंगा क्वार्टर, यानी काउंटर के लिए एक लाइन भी आती है, वो यहाँ से ही लूंगा मैं, ये यहाँ से आते हुए मैं इस तरीके से, इस तरीके से, यानी कि मैं इस तरीके, ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन से अंदर नहीं आएगी, यानी कि इसमें 2-3 mm से डिफरेंस रहना चाहिए, 2-3 mm में 5-6 mm डिफरेंस रहना चाहिए इस लाइन से, उसका भी रहना चाहिए जैसे कि ये कंफर्टेबल रहे, यानी कि मेजरमेंट भी जो मेजरमेंट आपको करनी है वो ठीक से करनी है,
यार वीडियो ध्यान से देखें, कुछ समझ में ना आए तो आप रिपीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं आप कमेंट में। तो आगे आते हैं, आगे करते क्या है कि हम यहाँ से हमें करना क्या है, यहाँ से हमें 10 mm ऊपर जाना है, ठीक है 10 mm यहाँ पे ऊपर जाना है, 10 mm हमारा यहाँ पर आया, ठीक 10 mm ऊपर आया। उसके बाद क्या करते क्या है कि यहाँ से 10 mm यहाँ पे आया, यहाँ से अब यहाँ से जाना है 10 mm इस साइड, तो 10 mm हमारा इस साइड यहाँ पे आया, ठीक 10 mm हमारा यहाँ पे आया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे बन गया यहाँ पे लॉक पॉइंट, क्या बोलते हैं इसे, लॉक पॉइंट, लॉक पॉइंट बना यार हमारे यहाँ पे। अब क्या करते क्या है, ये लॉक पॉइंट बन गया हमारा, ओके लॉक पॉइंट बना। अब करना क्या है हमें, अब यहाँ से करना क्या, ये 66 है, अब 66 से करना क्या है कि हमें इस लाइन से, 2 mm यहाँ पे आना है, कितना 2 mm, और यहाँ से आना है 3 mm, ओके 3 mm आए तो हमारी इस तरीके से यहाँ पे लाइन बनेगी, ओके इस तरीके से हमारी लाइन बनेगी यहाँ पे। 2 mm मैंने यहाँ पे लिया है और 3 mm मैंने यहाँ पर लिया है। यानी कि करना क्या है कि ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, और इस लाइन को मैं यहाँ पे स्ट्रेट लेके आऊंगा, इस लाइन के अकॉर्डिंग लेके आऊंगा, और यहाँ से लेते हुए इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे मैं टंग के लाउंज के लिए ये थोड़ा 10 mm दूंगा यहाँ पे, तुम्हारा 10 mm मैंने यहाँ पे दिया इस तरीके से, ये बनेगा। यानी कि मैंने जो यहाँ पे अलाउंस दिया है ये वाला अलाउंस, ये 10 mm है, कितना एम एम है, 10 mm, और जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो है 35 mm, ठीक है यहाँ से यहाँ तक की जो mm डिस्टेंस है मेरी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो 30 mm है, ठीक है ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें बनाने हैं कुछ, मुझको आईलेट्स, आईलेट्स बनाने, आईलेट्स किस तरीके से बनाने हैं, यानी कि यहाँ से 12 mm रहेगा आपका आईलेट्स बनाने का, यानी कि इस लाइन से 12 mm नीचे और यहाँ से भी 12 mm नीचे, यानी कि 12 mm 12 mm, यानी कि 12 हो गए यहाँ से, 12 mm यहाँ से और 12 mm यहाँ से, ओके समझा। उसी तरीके से हमको क्या करना है, लाइन खींचना है, मैं ये सिर्फ लाइन खींच दिया, ठीक है ओके लाइन खींच। अब मुझे इसमें बनाने क्या आईलेट्स, तो मुझे क्या बनाने आईलेट्स बनाने हैं, आईलेट्स क्या है तो मतलब करना क्या है कि मतलब टोटल दूरी मुझे मेजर करनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक दूरी इतनी है, मान लो कितनी एक्स वाई निकली मेरी, मतलब जितनी दूरी निकली है उसमें तुमको 4 आईलेट बनाने ही बनाने हैं, 4 आईलेट, ठीक है। तो 4 आईलेट क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी 4 आईलेट है, यानी कि मैं फर्स्ट दूरी रखता हूँ 15 इस साइड से, ओके सर, और फर्स्ट दूरी इस साइड से रखता हूँ 15, ठीक है। अब जो दूरी मेरी बचती है टोटल उसकी 2 आईलेट्स बनाने, किस तरीके से बनाने आईलेट्स, वो आपको दूरी को मेंटेन करना है। मान लो आपने इन दोनों पॉइंट की जो दूरी निकलती है उसमें 2 आईलेट्स बनाने, आपको क्या करना क्या है, जो मेजरमेंट निकलती है उसको डिवाइड करना है तीन जगह डिवाइड करोगे तब 2 आईलेट्स बन पाएंगे। तो इस तरीके से मैं इन दोनों दूरी को मैं क्या कहते हैं डिवाइड करके 3 जगह डिवाइड कर दूंगा, उस तरीके से मैं 2 आईलेट उसमें बना दूंगा। ये मैंने 2 आईलेट्स बना दिए, आईलेट बनने के बाद ये हमारा स्टैंडर्ड एक तरीके से कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ अभी तो, मतलब अंडरली अलाउंस हो गया, उसमें लास्टिंग अलाउंस हो रही, जिसको मैं मेजर करना है किस तरीके से। मान लो लास्टिंग अलाउंस देना हमें, लास्टिंग अलाउंस बताता हूँ, लास्टिंग अलाउंस हम क्यों देते हैं, क्योंकि जब हम लास्ट शू को बनाते हैं तो उसमें लास्टिंग अलाउंस नीचे की तरफ देना होता है, क्योंकि जब वो लास्टिंग मतलब लास्टिंग में नीचे जाएगा तो नीचे धंसने के लिए क्या करते हैं कैच करेगा शोर को, इसलिए हम लास्टिंग अलाउंस देते हैं। लास्टिंग अलाउंस हमारा होता क्या है, लास्टिंग अलाउंस हमारा ये आएगा, यानी कि लास्टिंग अलाउंस इस तरीके से देते हैं, यहाँ पर हमारा होता है 18 कर सकते हैं, ये वैसे हमारा होता है यहाँ पर 20, ओके लास्टिंग अलाउंस यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर हमारा होगा 18 और यहाँ पर हमारा होगा 16, ठीक है। तो इस तरीके से हमको इस तरीके से शेप देनी है, इस तरीके से ही, जैसे कि आपने देखा ये मैंने लास्टिंग अलाउंस दे दी है, यहाँ पे मेरा 18 है, यहाँ पे मेरा 20 है, ठीक है 20 यू हो गया और ये 16 हो गया, 16 mm में जो मेजरमेंट आपको करनी है इसमें mm में करनी है। ये आपका जूता बनके मतलब ये आपका स्टैंडर्ड बन गया, स्टैंडर्ड एक चीज हो जाएगी इसमें कि आपको करना क्या है, ये चीज हो जाएगी आपकी इस तरीके से, क्या है कि ये शेप आपकी काउंटर की सॉरी क्वार्टर की जो हुआ है इस तरीके से, आप देख रहे हैं इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत जूता बना हुआ लग रहा होगा कि जिस तरीके से आपको इसमें कंपोनेंट्स नहीं रहा कुछ,
जैसे कि आपको कुछ चीज इसमें नजर आ रही होगी, जूता मतलब दिख रहा होगा इसकी शेप के, वास्तव में इसमें जूता दिख रहा है हमें। अब देखो मैं इसमें कुछ जो इस तरीके से तो स्टैंडर्ड बनना ही बनना है। अब मैं आपको इसके क्या करते हैं कंपोनेंट्स बताता हूँ, कंपोनेंट्स किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से उनमें अलाउंसेस देते हैं, तो बताता हूँ। जो देखो आपको भी जूता बना दिखेगा कि किस तरीके से जूता बना हुआ है। अब देखना तरीके से आपको दिख रहा होगा कि ये डिजाइन जो बनी हुई है बिल्कुल सेम टू सेम जूते की तरह लग रही है। बस 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 भैया रुक जाओ काम गड़बड़ हो गया सब। ठीक है ये हो गया सिस्टम, जल्दी कर लो वीडियो बनने वाली है। ठीक है ये हमारी हो गई टंग, और इस तरीके से हमारे ये आईलेट बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक है अब इनके हमें क्या करने हैं कंपोनेंट काटने हैं। तो कंपोनेंट किस तरीके से काटने हैं, ये है हमारा काउंटर। अब मैं सीपीयू बता देता हूँ आपको, ये हमारा क्या है क्वार्टर। क्वार्टर ये हमारा बैम पोर्शन, और ये हमारा काउंटर। ओके इनकी मेजरमेंट आपको ध्यान रखना है, अगर आप इनकी मेजरमेंट ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी मिस्टेक नहीं खाएंगे। मतलब इनकी मेजरमेंट इस तरीके से की जाती है, और मेजरमेंट में आपको कोई इधर उधर नहीं करना है, एमएम का डिफरेंस भी नहीं करना है। अगर एमएम का डिफरेंस करेंगे तो आप मतलब क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक आ सकते हैं, जिससे जूता मतलब अनकम्फर्टेबल हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप मैं बताना चाहता हूँ कि काउंटर किस तरीके से काटना है। तो मतलब ये पहले तो क्या करना क्या है आपको कि इस सब को मतलब जो बेस्ट मटेरियल है उसे इरेज कर देना है आपको। जैसे ये जूता बना आप काउंटर निकालना है आपको, काउंटर को ट्रेस करना है पेज पे, इस तरीके से आप काउंटर निकलेगा। इस तरीके से इसमें आपको अलाउंस, इसमें अलाउंस देने की जरूरत नहीं है, बस अलाउंस आपको यहाँ पर दिया जाता है, और एक टू पीसेस में निकलता है एक बन साड़ी। अगर बन साड़ी है अगर आप फोल्ड करके पेज पे निकालेंगे तो किस तरीके से निकलते हैं ध्यान दें, तो इस तरीके से निकलेगा आपका डबल साइड में। इस तरीके से ये डबल साइड हो गया। ठीक है और आपको यहाँ पे कट लगाना होता है, नकट लगाना होता है। ठीक है अब क्वार्टर निकालते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया हमारा काउंटर। अब क्वार्टर किस तरीके से निकालते हैं, अब पहले तो हमने ये पोर्शन निकाल दिया, अब ये पोर्शन निकालेंगे। ये पोर्शन किस तरीके से निकलता है हमारा देख ध्यान दीजिए। इस तरीके से हमारा क्वार्टर निकलेगा, क्वार्टर की शेप देख लीजिए, ये हो गया हमारा क्वार्टर। ये सिंगल पीस में निकलता है, यानी कि ये दो ये पीस होते हैं एक जूते में दो, यानी कि एक सुमे एक दो लगेंगे और ये लगेगा सिर्फ ओनली वन। अब एक और रह गया हमारा बैम्प, जो बैम्प बैम्प किस तरीके से निकलता है, बैम्प हमारा इस तरीके से निकलेगा विदाउट टर्न। इस तरीके से आइए हमारा टू पीसेस में निकलता है, टू पीसेस में निकालेंगे, ये सिंगल पीस हो गया, टू पीसेस में निकालेंगे तो हमारा इस साइड से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा हमारा ये। ठीक है ये टू पीसेस हो गया, वन साइड ये होगी वन साइड ये होगी, हमारा हो गया बैम्प। ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया। लाइनिंग का मैं अगर आप लाइनिंग बनाना चाहते हैं तो लाइनिंग को मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से
प्लानिंग बनाई जाती है डर की छूगी। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये जो मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा।